एक क्षेत्र का विकास लाखों लोगों की खुशहाली, उनके अधूरे वर्तमान और सुनहरे भविष्य के बीच खड़ा होता है एक जनप्रतिनिधि का हट। परिस्थितियों को बदलने का हट, हर युवा हर परिवार को उसकी पूरी संभावना का आकाश देने का हट, कर्तव्य निभाने का हट। ये कहानी है खुरई की, खुरई के बदलाव की, खुरई के भगीरथ भूपेंद्र भैया के हट की। मात्र 5 सालों में भूपेंद्र भैया के हट ने क्षेत्र की सड़कों के पैमाने बदल दिए हैं। पुल पुलिया और सड़कों का निर्माण युद्ध स्तर पर किया है। बाहरी सड़कें हों, ग्राम सड़कें हों या पंच परमेश्वर की खेत सड़क हो, भूपेंद्र भैया ने 380 करोड़ की लागत से सरकार की पूरी ताकत क्षेत्र के विकास में झोंक दी है। विकास के 65 वर्षीय अकाल पर भूपेंद्र भैया का हट भारी पड़ा है। खुरई विधानसभा क्षेत्र में 180 किलोमीटर शहरी सड़कों और 122 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का जाल बुन चुका है। क्षेत्र की सड़कें, खुरई बाईपास और गांव-गांव में सीमेंट कंक्रीट की सड़कें जनजीवन बदल रही हैं, कीचड़ गंदगी से मुक्ति दिला रही हैं। गांव से खेत का सफर अब ट्रैक्टर मोटरसाइकिल से आसान हुआ है। लो वोल्टेज विद्युत प्रदाय से निपटने के लिए आज खुरई के पास अपना 132 केवीए का सबस्टेशन है। हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। बड़े गांवों में 24 घंटे तो छोटे गांवों में 10-12 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध है। जले हुए ट्रांसफार्मर 2 दिन के अंदर बदले जा रहे हैं। क्षेत्र की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 51 करोड़ रुपए भूपेंद्र भैया ने सरकार से खर्च करवाए हैं। स्वच्छ पेयजल के लिए भूपेंद्र भैया ने खुरई में जल संशोधन संयंत्र लगवाया है। मालथौन, बांद्री, बिकोर कला, खुरई की पेयजल विस्तारण व्यवस्था पर लगभग 20 करोड़ रुपए के काम किए गए हैं। सुदूर गांवों तक अब 149 हैंडपंप लग चुके हैं। माँ बहनों को दूर से मटकों में पानी ढोने से मुक्ति मिली है। हर परिवार को घर भूपेंद्र भैया का प्रिय लक्ष्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी की आवास योजना में शहरी क्षेत्र में 2905 फ्लैट स्वीकृत हुए हैं। 122 करोड़ लागत की इस योजना के 837 घर बनकर तैयार हैं। ग्रामीण इलाकों में स्वीकृत 80 करोड़ की लागत से बनने वाले 5268 कुटीरों में से 482 कुटीर बनकर तैयार हैं। 2022 तक हर परिवार को घर का लक्ष्य पूरा करने के लिए भूपेंद्र भैया प्रतिबद्ध हैं। क्षेत्र के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ भूपेंद्र भैया आत्मीयता से जुड़े हैं। गांवों के क्लस्टर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध हैं, जहां सामान्य रोगों का इलाज संभव है। बांद्री के 10 बिस्तरीय अस्पताल को 30 बिस्तरीय बनाया जा रहा है। दीनदयाल चलित अस्पताल हर सप्ताह गांवों में पहुंचता है। हर महीने क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर और विकलांग शिविर का आयोजन हो रहा है, जहां दवाई और उपकरण निःशुल्क दिए जाते हैं। आंखों के उपचार के लिए भूपेंद्र भैया ने अद्वितीय व्यवस्था की है। चलित अस्पताल निःशुल्क जांच करते हैं और फिर भूपेंद्र भैया नजर का चश्मा बनवाकर लोगों के घरों तक निःशुल्क पहुंचवाते हैं। आंखों के निःशुल्क ऑपरेशन के लिए भी अब तक 4000 मरीजों को चित्रकूट भेजा जा चुका है। रात हो या दिन, क्षेत्रवासियों को भरोसा है भूपेंद्र भैया हर समस्या में उनके साथ हैं। आधी रात में आवाज लगाओ, मदद उपलब्ध हो जाएगी। मरीजों को भोपाल भेजना, गंभीर लोगों में वित्तीय सहायता दिलवाना कर्तव्य निभाने का अलग क्रम है। लगभग 22,000 गंभीर मरीजों की सहायता कर भूपेंद्र भैया ने जान बचाई है। अच्छे से अच्छा उपचार क्षेत्र में ही मिल सके, इसके लिए भूपेंद्र भैया का भगीरथी प्रयास है खुरई में 100 बिस्तर का आधुनिक सिविल अस्पताल। 14 करोड़ की लागत से तैयार इस अस्पताल में प्रतिदिन 500 से 600 मरीज आते हैं। हर महीने 300 प्रसव कराए जाते हैं। ब्लड बैंक, आधुनिक जांच उपकरण, बड़े रोगों के विशेषज्ञ और ऑपरेशन थिएटर यहाँ उपलब्ध हैं।
सालों से फाइलों में पार्ट जो होते इस अस्पताल को भूपेंद्र भैया ने मात्र 4 सालों में हकीकत बनाया है। भूपेंद्र भैया का लक्ष्य है खुरई शिक्षा केंद्र बने, यहाँ के छात्रों को पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर मजबूर ना होना पड़े। खुरई, मालथौन और बांद्री में विश्व स्तरीय कंप्यूटर शिक्षा केंद्र खोले गए हैं। सैकड़ों छात्रों को स्कूली शिक्षा के साथ कंप्यूटर ज्ञान मिल रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। मालथौन में कॉलेज, खुरई एवं नौगांवों में 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज और छात्राओं के लिए निःशुल्क कल्पना चावला छात्रावास भी खोला गया है। खुरई सिविल अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति भी आ चुकी है। गोंड राजाओं के ऐतिहासिक डोहेला किले का जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण हो चुका है। यह अब सागर का प्रमुख पर्यटन स्थल है। अब यहाँ पर हर साल जनवरी में डोहेला महोत्सव मनाया जाता है। खुरई तालाब की सफाई और गहरीकरण के साथ यहाँ शानदार पार्क और कीर्ति स्तंभ का विकास हो रहा है। जन आयोजनों के लिए आधुनिक ऑडिटोरियम भी लगभग तैयार है। युवाओं के बीच मंत्री ट्रॉफी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता अत्यंत लोकप्रिय है। बांद्री, मालथौन और खुरई में आयोजित इस प्रतियोगिता से क्षेत्र के प्रतिभावान क्रिकेटर्स को बढ़ावा मिल रहा है। हर पंचायत में खेल मैदान की स्वीकृति भूपेंद्र भैया के प्रयासों से मिल चुकी है। मालथौन और खुरई में जनता के लिए स्थापित आधुनिक जिम युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। खुरई का इंडोर बैडमिंटन हॉल बनकर तैयार है और बांद्री में इंडोर स्टेडियम का काम प्रारंभ हो चुका है। किसानों की आमदनी दोगुनी और खर्चा आधा करने के लक्ष्य से भूपेंद्र भैया ने क्षेत्र में 6 जलाशय योजना स्वीकृत करवाई है। जलाशय निर्माण का काम चालू है और इससे लगभग 10,000 हेक्टेयर खेतों को लाभ होगा। खुरई और मालथौन की सर्व सुविधा युक्त कृषि मंडियां बनकर तैयार है। इन बड़ी मंडियों में अधिक व्यापारियों का आना किसानों की आमदनी को बढ़ाएगा। भूपेंद्र भैया ने किसानों के हित का सबसे बड़ा काम किया है 60 सालों से लंबित बीना नदी योजना को स्वीकृति दिलाकर। 3,800 करोड़ रुपए की यह योजना खुरई क्षेत्र की खेती को हमेशा के लिए बदल देगी। इस योजना से खुरई में 54,000 हेक्टेयर भूमि और मालथौन की 30,000 हेक्टेयर भूमि को भरपूर पानी मिलेगा। किसानों की लागत घटेगी और खुरई के प्रसिद्ध 306 गेहूं की पैदावार और आमदनी बढ़ेगी। बीना नदी परियोजना के बांधों से 25 मेगावाट बिजली और जलाशय से 258 टन मछली का उत्पादन भी होगा। मालथौन और बांद्री में नवीन बस स्टैंड का काम लगातार चल रहा है। पुरानी कृषि मंडी को हाट बाजार में परिवर्तित किया गया है ताकि छोटे व्यापारियों को साफ सुथरी जगह मिल सके। गांव के छोटे बच्चों की देखरेख के लिए जगह जगह आंगनवाड़ी बनाई गई है, जहां शिशुओं के पोषक आहार, टीकाकरण और प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था है। भूपेंद्र भैया का लक्ष्य है कि हर 2-3 किलोमीटर पर जन उपयोग के लिए सामुदायिक भवन हो। बांद्री और मालथौन में नए शमशान स्थलों का निर्माण भी पूरा हो चुका है। मालथौन में माता मंदिर का भूपेंद्र भैया ने सौंदर्यकरण करवाया है। मालथौन किले का जीर्णोद्धार प्रगति पर है। लोक संस्कृति से जुड़ी हर धरोहर को संवारने सहेजने की चेष्टा है। भूपेंद्र भैया के लिए क्षेत्र उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों हैं। विकास और व्यवहार में भूपेंद्र भैया का कोई सानी नहीं है। विकास कार्यों ने सिद्ध कर दिया है कि एक व्यक्ति का हट उस क्षेत्र का भविष्य बदल सकता है, तो व्यवहार ने भी सिद्ध कर दिया है कि जन का प्रतिनिधि मन का प्रतिनिधि भी हो सकता है। मेरी खुरई, मेरा कर्तव्य।